myself, कैसे हो आप सब? I hope सब मेरे प्यारे से बच्चे बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांत। तो भाई आज का जो सेशन है वो मेरे सारे प्यारे से बच्चों के लिए है, उन नाइन्थ ग्रेडर्स के लिए है जिनको कहीं ना कहीं क्लास टेंथ में इन चीजों से रिलेटेड डिफिकल्टीज आने वाली है। तो आज मैम आपको वही डिफिकल्टीज बताने वाली हूँ जिससे आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ, अभी से ही जो आपने चीजें अवॉइड कर रखी हैं आपका ध्यान उन पे चला जाए और आप उनको ट्राई करो कि वो सब हट जाएं, ताकि आपको उन चीजों से रिलेटेड क्लास टेंथ में आपके मोस्टली बोर्ड्स के एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो जानना चाहते हो कि वो सारी क्या डिफिकल्टीज हैं, मैम पहले से ही डरा रहे हो, अभी तो हम क्लास नाइन्थ में ही है, क्लास टेंथ में आने तो दीजिए। देखो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं वो रियलिटी चेक दे रही हूँ जो शायद कहीं ना कहीं आप फेस करोगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ें फेस ना करो, वो प्रॉब्लम्स फेस ना करो जो मैंने अपने टाइम पे फेस करी थी जब मैं क्लास नाइन्थ से क्लास टेंथ में आई थी। तो इसीलिए ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली आपको आती हैं जिसको आप ऐसे ठीक कर सकते हो और ऐसे इनसे बच सकते हो मैम के तरीकों से, ठीक है? तो चलो देखो रामबाण इलाज इसका है कि सबसे पहला जो प्रेशर आपके ऊपर आता है ना वो होता है एकेडमिक प्रेशर का। भाई बोर्ड्स के एग्जाम, बोर्ड्स का सुन के ही वहीं पे ही लगता है कि बस अब मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एकेडमिक प्रेशर आपके ऊपर बहुत होता है। टेंथ क्लास में प्री बोर्ड्स बहुत होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, यूनिट टेस्ट इतने सारे होते हैं, स्कूल आपको इतने हार्ड मिड टर्म्स देता है, इतने सारे प्री बोर्ड्स कंडक्ट करवाता है जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर द बोर्ड्स एग्जाम। तो भाई वो बोर्ड्स एग्जाम की वजह से आपके ऊपर ना बहुत पीयर सा प्रेशर आता है, एकेडमिक प्रेशर आता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। देखो बच्चों सीधी साफ सी बात बता दूं ना, तो देखो एग्जाम्स ना बस आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए होते हैं, आपको डराने के लिए या आपको एंशियस करने के लिए या पैनिक करने के लिए नहीं होते, ठीक है? आपकी पढ़ाई बस इस चीज में मायने रखती है कि आपने वो कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हो वो कितना अच्छे से आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया। देखो पढ़ाई का अल्टीमेट गोल हमारा यही होना चाहिए कि जो चीज हम सीख रहे हैं वो अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। तो भाई जो भी एकेडमिक प्रेशर आपके ऊपर नाइन्थ में भी आ रहा होगा और जब वो टेंथ में भी आएगा तो उससे घबराना नहीं, ठीक है? घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि आप सबकी हेल्प के लिए हम लोग पेरेंट्स सब कुछ अवेलेबल है। वेदांतु के हर एक वेदांतु के इस नाइन्थ एंड टेंथ चैनल पे इवन आप लोगों के लिए वेदांतु ने क्लास नाइन्थ का एक अलग सा सेपरेट चैनल ओपन किया था जस्ट टू फोकस ऑन यू ओनली, ठीक है? तो वैसे ही नाइन्थ और टेंथ का चैनल है जिसपे हम लोग स्पेसिफिकली टेंथ के कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं, तो आपको सारा अकेडमिक कॉन्टेंट वहीं पर मिल जाएगा। तो भाई ये अकेडमिक प्रेशर आप मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, अभी से ही अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लो कि क्लास टेंथ में आपको ये एकेडमिक प्रेशर झेलने के लिए मिलेगा। तो आप इससे पहले ही प्रिपेयर करके रहो और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता रही हूं, वो है वेदांतु नाइन्थ एंड टेंथ का चैनल आपका, ठीक है? उसके बाद दूसरा जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना वो होता है आपका स्ट्रगल विद द टाइम मैनेजमेंट। भाई देखो जनरली बता रही हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्लास नाइन को ना बहुत लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है देखो इसका कोई मार्क्स की वैल्यू नहीं है, मेरे को कुछ नहीं होगा, ये वो वगैरह, आगे जाके फ्यूचर में इसका कोई रोल नहीं होता है मार्क्स का। तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, भले मार्क्स का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, भले आपके क्लास नाइन के मार्क्स मैटर नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन आपने जो आदत पढ़ने की क्लास नाइन्थ में बनाई होगी ना वही आपको क्लास टेंथ में हेल्प करने वाली है। अगर आपने क्लास नाइन्थ में ना आपने यूनिट टेस्ट पे ध्यान दिया है, ना आपने मिड टर्म्स पे ध्यान दिया और ना ही आपने अपने कंसेप्ट्स को क्लियर किया है, तो डेफिनेटली आपको अपने क्लास टेंथ में प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो कहीं ना कहीं आपके बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, एसएसटी के सब के कॉन्टेंट कहीं ना कहीं क्लास टेंथ से रिलेटेड होते हैं। भाई सीबीएसई बोर्ड इतना स्टूपिड तो है नहीं कि आपको वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करेगा क्लास नाइन्थ में जो कहीं ना कहीं रिलेटेड ही ना हो। देखो क्लास नाइन का कंटेंट डायरेक्टली रिलेटेड होता है क्लास इलेवेंथ से और क्लास टेंथ का डायरेक्टली रिलेटेड होता है क्लास ट्वेल्थ से। तो अगर आप अभी नहीं अच्छे से पढ़ोगे, कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, अपने टाइम को मैनेज करके उसको पढ़ाई नहीं करोगे, तो भाई जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे होगे ना तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। यही एक सबसे मेन डिफिकल्टी होती है जो क्लास टेंथ में बच्चे अपने बोर्ड्स के एग्जाम में फेस करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, स्कूल के असाइनमेंट्स, कोचिंग क्लासेस, यूट्यूब की पढ़ाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, ये सब
चीजें आप कहीं ना कहीं टेंथ से ही स्टार्ट कर देते हो। तो इसीलिए अभी से ही अगर आप अपना स्टडी का शेड्यूल बना करके पढ़ाई करोगे तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रगल और जगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई जो थर्ड आपको डिफिकल्टी आती है ना, वो आती है प्रेशर टू परफॉर्म एकेडमिकली। भाई टॉपर बनना है तो ये कर लो, फोड़ना है बोर्ड्स एग्जाम में तो वो कर लो। भाई बहुत प्रेशर होता है, कुकर प्रेशर कुकर बन जाता है दिमाग कि हमको कहीं ना कहीं से कैसे भी करके एकेडमिकली बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है ताकि हम वो 95% का टैग अपने बोर्ड्स एग्जाम में ले सकें, हम किस में आ सके, वो मेरिट लिस्ट में आ सके जिसमें हम डिजर्व करते हैं आना। तो जब ये चीज आती है ना तो आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे मेरे इतने स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। देखो एकेडमिकली परफॉर्म करना है, सबको करना होता है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रेस लेकर के अपने दिमाग को प्रेशर कुकर बना करके पढ़ाई नहीं हो सकती है। नॉलेजेबल बनो, सक्सेस अपने आप ही झक मार के पीछे आएगी। किसने कहा था? बाबा रणछोड़दास जी ने, ठीक है। तो थ्री इडियट्स अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसका कंसेप्ट आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। नॉलेजेबल बनने के लिए पढ़ो, सक्सेस अपने आप ही हाथ पे आएगी। तो भाई अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे हर सब्जेक्ट में तो अपने आप ही एकेडमिकली आप परफॉर्म अच्छा करोगे ही करोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम आती है वो आती है बोर्ड्स एग्जाम की एंजाइटी। ओ माय गॉड, बोर्ड्स एग्जाम बहुत टफ आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में क्या होगा, बोर्ड्स में अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम हॉल में जाकर के इतनी एंजाइटी होती है कि ठीक से परफॉर्म कर पाऊंगा। और इतनी एंजाइटी होने की वजह से ना सब गड़बड़ करके आ जाते हो, ना ठीक से क्वेश्चन पेपर रीड करते हो, ना ठीक से क्वेश्चन के आंसर लिख के आते हो, कभी कभी तो इंस्ट्रक्शन ही पढ़ना भूल जाते हो। तो ये बच्चे अक्सर करके आते हैं यही बोर्ड्स एग्जाम की एंजाइटी की वजह से। तो भाई एंशियस होने की जरूरत नहीं है। वेदांतु, हम जैसे आपके प्यारे टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स सब आपके साथ हैं। बोर्ड्स कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है कि जिसको सर पे लेकर के इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। भाई बोर्ड्स का पेपर सच में बहुत ईजी आता है कंपेयर टू प्री बोर्ड्स और मिड टर्म्स के एग्जाम में। मिड टर्म्स और प्री बोर्ड्स आपके टफ इसीलिए ही बनाए जाते हैं ताकि आपको बोर्ड्स के ईजी लेवल में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने ईजी ईजी पढ़ लिया तो आप टफ कैसे परफॉर्म करोगे, लेकिन अगर आपने टफ कर लिया परफॉर्म तो ईजी की क्या ही बात है। भाई इजी पीजी वेरी इजी क्वेश्चंस तो आप लड्डू की तरह सॉल्व करके आओगे। तो बोर्ड्स को इतना ज्यादा हैवी वाला मटेरियल समझने की जरूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल प्यार से अभी पढ़ो। बस अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करके पढ़ो कि जब आपके ऊपर इतना सारा सिलेबस का कंटेंट आए, इतना सारा सिलेबस आए टेंथ क्लास में, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। बस परेशान होने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपके साथ सब लोग हैं भाई, आपके अपने फेवरेट मास्टर टीचर्स वेदांतु के सब आपके साथ हैं। उसके बाद लास्ट में आपकी जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। क्यों? क्योंकि हम टेंथ के साथ ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको वही बताया कि नाइन्थ जो है आपका बेस बनाता है इलेवेंथ का और टेंथ जो बनाता है बेस आपका ट्वेल्थ का। तो नाइन्थ पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, और अगर टेंथ में जाओगे तो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं उसका सोल्यूशन भी बताया, बस उन सोल्यूशन को फॉलो करना और अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर रखना। तो भाई इसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ना कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अभी से ही शेड्यूल बनाने की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करने की प्रैक्टिस करो, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप ही लिखने में आ जाएगा और टेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली बस इससे। तो यही सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं जो मेरे प्यारे बच्चों को कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ जाती हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि इन सबको ध्यान रखना। और उसके बाद आता है आपका हार्मोनल चेंजेस। भाई प्यूबर्टी हिट करती है तो बहुत सारी चीजें ना, वो इनफैचुएशन होना, रिलेशनशिप में आ जाना। देखो बच्चा लोगों, आप लोग अभी बहुत छोटे हो इन सब चीजों के लिए। ये सब चीजें ना जब आप एक बार सक्सेसफुल पर्सन हो जाओगे ना अपने आप ही मिल जाएंगी आपको अपने टाइम के साथ। तो बस वो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं ना जिसमें बहुत सारे गलत थॉट्स आते हैं, तो उन गलत थॉट्स को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो। डिस्कस करोगे सोल्यूशन निकलेगा प्रॉब्लम्स का और उससे बाहर आ पाओगे। अदरवाइज यही रेजिंग हॉर्मोन्स ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देते हैं और कभी ना कभी आपको इतना ज़्यादा गुस्सैल बना देते हैं कि आप हर इंसान से लड़ने लग जाते हो। टीचर्स पेरेंट्स जो आपका भला चाहते हैं आप उनको भी गलत समझने लग जाते हो। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप ये हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से, जो हर किसी के साथ हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं प्यूबर्टी की एज में थी, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप इस एज में जब आपके
हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, तब आप किसी गलत पाथ पे ना चले जाओ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप सब बोर्ड्स में इतना अच्छे से फोड़ करके आओ कि नेक्स्ट सेशन जब मैं लू बोर्ड्स के बाद आपका, तो आप मुझे यही बोलो कि मैम मेरे इतने परसेंटेज आए, मैंने बोर्ड्स में फोड़ दिया। तो बस मैम को वो बोर्ड्स में फोड़ने वाला सेंटेंस सुनना है, इसीलिए मैम आपके लिए सेशन लेकर के आई थी। जो डिफिकल्टीज मैंने आपको बताई हैं उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस याद रखना और कोशिश करना कि 9th में ही आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, ताकि 10th में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते अपने ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग से धमाकेदार सेशन में। तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय एंड टेक केयर।